यहां पर बता दें, गुजरात कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के नेता गुलाब सिंह यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता गुलाब सिंह यादव ने टिकट देने के बहाने यहां एक महिला का यौन शोषण किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़ित महिला का वीडियो भी चलाया। आरोप यह है कि इन तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के नेता गुलाब सिंह यादव महिला का यौन शोषण करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित महिला सामने आई और गुजरात के एक न्यूज चैनल ने यह खबर भी दिखाई। आरोपों से बौखलाई आम आदमी पार्टी का इस मामले पर कहना है कि टीवी चैनल पर गुलाब सिंह यादव की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो मॉर्फ्ड है, यानी उसमें काटचाट की गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसकी शिकायत साइबर सेल में भी की है। गुजरात कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर यह बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का विधायक गुलाब सिंह, एक महिला से यौन शोषण का आरोप है और वो महिला आप अपनी आवाज बुलंद कर रही है। सुनते हैं महिला क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है। हमने आपने सभी वीडियो जोयो अने ए वीडियो द्वारा हूँ फर्स्ट लाइन तो ये कहवा मांगीस, जे आम आदमी पार्टी ना दिल्ली ना नेताओं अहीं आवीने जे हीन कृत्य करी रह्या छे એને ચોક્કસપણે કહીશ કે આ દિલ્હીનું કલ્ચર તમારું તમારી પાસે રાખજો, આ ગાંધી અને સરદારનું ગુજરાત છે અને એના ગુજરાતની અસ્મિતાને ઠેસ પહોંચાડવાનું કામ તમે કરશો તો આ ગુજરાતની જનતા અને મહિલાઓ તમને ચોક્કસથી જવાબ આપશે। तो ये आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि गुजरात के एक चैनल ने ये खबर दिखाई, वीडियो दिखाया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई वो वीडियो तो मॉर्फ्ड है, यानी उसमें काटछाट की गई है, खिलवाड़ किया गया है और इसीलिए साइबर सेल में उसकी शिकायत कर दी है। लेकिन देखिए आरोप किस पर लग रहा है, आम आदमी पार्टी का विधायक गुलाब सिंह, मटियाला सीट से विधायक है गुलाब सिंह यादव, गुजरात का चुनाव प्रभारी भी है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली की मटियाल सीट से विधायक है और गुजरात में इस वक्त चुनाव प्रभारी की भूमिका यहां पर निभा रहा है। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गंभीर आरोप है जो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं एक महिला के यौन शोषण के, कैसे बचाव कर रही है आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए गुलाब सिंह यादव पर कांग्रेस पार्टी अब पूरे तरीके से हमलावर हो गई है। जिस तरीके से वीडियो दिखाया गया है उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर यही कहना है कि गुलाब सिंह यादव ने टिकट देने के नाम पर महिलाओं का शोषण किया और ब्लैकमेल भी वो काफ़ी समय से कर रहा था और एक पुराने गुजराती चैनल का एक क्लिप चला था उसका हवाला देते हुए वो क्लिपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें उन्होंने दिखाया है। उसके बाद में आम आदमी पार्टी जो है पूरे तरीके से हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये गुजरात चुनाव से पहले हमारी छवि को धूमिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चाल चली जा रही है। ये जो वीडियो है ये पूरे तरीके से फेक है, इसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। कितना पुराना वीडियो बताया जा रहा है, उन्होंने शिकायत भी दर्ज करा दी है। मतलब राजनीति जो है अब वो चरम पर हो रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, ये वीडियो लगभग 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है और 3-4 दिन पहले ये किसी गुजरात के एक निजी न्यूज़ चैनल में ये प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उस वीडियो को लिया, उस वीडियो को लेने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कॉन्फ्रेंस करके ये वीडियो उजागर करते हुए सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक का चरित्र है ये सामने निकल कर आ रहा है।